ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जे मेन 2018 के, और उसमें हम देखें किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ से किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे एग्जाम में, तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं, और बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये सारे टेक्निक्स की वजह से हम अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुँच पाते हैं, प्रोबेबिलिटी को बीट कर पाते हैं एंड बहुत अच्छे अपने को जो इंप्रूव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेई मेन में स्कोर 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आप कम टाइम में अपने स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हो, 170, 180, 200 के रेंज में जाना चाहते हो ताकि आपके भी 97, 98, 99 परसेंटाइल आ सके, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कम टाइम में ये चीज़ किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स आपको सिखाएगा किस तरीके से आप ट्रिक्स की मदद से और बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज की मदद से आप किस तरीके से कम टाइम में अपने स्कोर को जेई मेन में बूस्टअप कर सकते हो, ठीक है। 15 घंटे का हमारा एक्सक्लूसिव कॉम्बो कोर्स है 1.0 प्लस 2.0 का, और उस पर ऑफर भी चल रहा है। ₹999 में आपको कॉम्बो कोर्स मिल जाएगा, जो कि आप अलग अलग अगर लेने जाओगे तो 1200 के ऊपर में हमारे पास में प्राइस पड़ेगा। तो आप कॉम्बो कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो एंड उन 15 टू 20 आवर्स के कोर्स की मदद से आप लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हो कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव करना। और उसके साथ में हमारे पास में गूगल मीट सेशंस भी होने वाले, आप उसका भी पार्ट हो पाओगे। उसमें आप मेरे साथ डायरेक्टली अपने सारे क्वेरीज को डिस्कस कर पाओगे, अपने साथ में अपने स्ट्रेटजीज को डिस्कस कर पाओगे, और बहुत ही ज्यादा आपको उसमें सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही सिंपल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर आप पेमेंट डिटेल्स को कंप्लीट करो, अपने सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद में पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। विद इन 1 आवर आपको AR स्क्वाड की तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड विद इन 6 आवर्स आपको कोर्स के वीडियोस भी सेंड होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे टीम को मैसेज कर सकते हो एंड कोर्स रिलेटेड कोई भी आपके इंक्वायरीज हो तो वो आप उनसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जरूर से इस कोर्स का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिया है जेई मेन 2018 के पेपर में से, केमिस्ट्री के पेपर से यहाँ पर हम लोग अब क्वेश्चंस ले रहे हैं। फिजिक्स का हम लोग ऑलरेडी 3 एपिसोड देख चुके हैं, 12 क्वेश्चन फिजिक्स के हो गए थे जहाँ हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, तुक्का लगाया, ठीक है। इस तरीके से तुक्का लगाया हमने कि हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है सही हो जाए, उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं 2018 के पेपर में केमिस्ट्री के सेक्शन में। फिर आगे हम लोग मैथ्स का जो है सेक्शन वो भी देख लेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं, फिजिक्स में 12 देख चुके, टोटल कितने हो गए 17, और उसके बाद मैथ्स में हम लोग जो है 12 और क्वेश्चन देखेंगे, तो 29 क्वेश्चन, ठीक है। 90 क्वेश्चन आए थे हमारे पास में 2018 में जेई मेन में, उसमें से 29 क्वेश्चन मतलब 1/3 पेपर में हम लोग तुक्के ट्रिक से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उस 29 में से बहुत इजीली 15 तो मिनिमम सारे बच्चों का सही हो ही जाएगा। आप लोग कमेंट्स वगैरह करते रहते उससे भी पता चलता है, एंड वैसे भी आपको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से समझ में आता होगा कि 15 प्लस तो इजीली आपके सही होते ही हैं, ठीक है। So, यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इन 5 क्वेश्चंस में हम लोग तुक्का लगाएंगे, ठीक है, और तुक्का हमारा ऐसा होगा कि आपके ज्यादा से ज्यादा सही हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो उनको ये सब चीजें बिलीव नहीं होती, ठीक है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पर 350+ एपिसोड्स बनाए हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के, ठीक है, और हमारे चैनल पे आज की डेट में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 90,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। तो इतने सारे स्टूडेंट्स ने अगर इस चीज को देखा है, समझा है, लाइक किया है, इसका मतलब आपको भी पेशेंट रह के, थोड़ा सा पेशेंस रख के, पेशेंटली आपको जो है कुछ वीडियोस देखनी चाहिए, एपिसोड्स प्लेलिस्ट में जाकर के देखने चाहिए, तो आपको समझ में आएगा ये चीजें कैसे वर्क करती है। एक बार में इन चीजों को जो है जज बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। मैं जरूर 4-5 क्वेश्चंस एक एपिसोड में लेता हूं, बट मैं पूरे पूरे पेपर को कवर अप करता हूं। अगर आप लास्ट का 3 एपिसोड देखोगे तो वहां फिजिक्स कवर्ड अप है, यहां केमिस्ट्री कवर्ड अप है, इसके आगे के 2 एपिसोड्स में आपका मैथमेटिक्स आएगा 2018 का। तो एक ही पेपर के हम लोग 29 क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगा रहे हैं, और इसके पहले मैं 2013, 2014, 2015 सारे पेपर्स ऑलरेडी कवर अप कर चुका हूं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जितने भी स्टेट एग्जाम्स है वो सारे वीडियोस भी आपके प्लेलिस्ट के अंदर में अपडेटेड हैं। तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एक ओरिजिनल प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैं VIT, कॉमेट के, बिटसेट, MSTCET, WBJ, सारे के सारे जेई मेन, सारे के सारे ट्रिक्स उसके अंदर में है, और हर एग्जाम की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी। अगर आपको जेई मेन के वीडियोस देखने हैं 2022 के लिए तो आपको उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और एक्सक्लूसिव कोर्स के बारे में आपको बताया ही है, कम टाइम आपके पास में बचा हुआ है, लेकिन ये कोर्स इस तरीके से डिजाइंड है कि आप एक दिन के अंदर अंदर इस कोर्स को कवर अप भी कर लोगे
इंस्टेंट सारी चीजें अप्लाई करके इंस्टेंट ग्रोथ आप अपने मार्क्स में ला पाओगे, ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं हुए हैं, कोर्स में जरूर से एनरोल कर जाना। कॉम्बो कोर्स इज द बेस्ट कोर्स, जिसमें आपको 1.0, 2.0 सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, ट्रिक्स के थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशन। लास्ट 2021 का जो साल था उसके सारे सारे 26 पेपर्स के अंदर में आपको जो है ट्रिक्स वगैरह डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए जाएंगे। आप आराम से 70-80-100 इस रेंज में हो तो वहां से आप 170-180-200 तक ले जा सकते हो अपने स्कोर को। कंडीशन है कि आप सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करो, अच्छे से समझो, ओपन माइंड के साथ सारी चीजों को देखो, कोर्स को समझो एंड उसको क्विक टाइम में आप अप्लाई करने का ट्राई करो। यहां पर क्वेश्चंस लिख देता हूं आपके सामने, 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर हम लोग तुक्का लगाएंगे इन 5 क्वेश्चन में। ये हमारा क्वेश्चन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हमारा 4 है और ये हमारा 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में तो हमारा सिंपल एक्सट्रीम का फंडा लगेगा। क्या लगेगा? एक्सट्रीम का फंडा। क्या लगेगा? एक्सट्रीम का फंडा। एक्सट्रीम का फंडा क्या होता है, हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो। एक्सट्रीम के फंडे में क्या होता है, हम सबसे बड़े ऑप्शन को और सबसे छोटे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। क्या करते हैं, हम सबसे बड़े ऑप्शन को और सबसे छोटे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, बाकी दो में से तुक्का लगाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में सी डी में से तुक्का लगेगा और फिफ्थ क्वेश्चन में बी सी में से हमारा तुक्का लगेगा। इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेशन। मतलब कि आप सबसे एक्सट्रीम ऑप्शन, सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड और सबसे छोटा मैग्नीट्यूड को आप एलिमिनेट कर दो, बाकी में से आप तुक्का लगा दो। ये तरीका 10 में से 7-8 बार आपका काम आता है। आप अगर बैक टू बैक एपिसोड देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने ये 4-5 क्वेश्चन नहीं लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मतलब फिजिक्स के अंदर में 12 जो क्वेश्चन मैंने लिए थे उसमें से 7-8 क्वेश्चन में तो ये एक्सट्रीम वाला फंडा ही काम कर गया था, ठीक है। ये बहुत ही एक साइकोलॉजिकल बात है, आपको समझना पड़ेगा कि जो टीचर क्वेश्चन बनाता है, जो ऑप्शंस क्रिएट करता है, वो अपने आंसर को कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, ना कि एक्सट्रीम में रखने का ट्राई करता है, ठीक है। उस बेसिस पर ये हमारे पास में बताया गया और मैं कई टाइम से, ठीक है, मतलब काफी 100-150 एपिसोड्स में इस पे बना चुका हूँ, जिसमें आपको समझा रहा हूँ एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा क्यों काम करता है। 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 सारे साल के पेपर, ऐसा एक भी साल नहीं आया जिसमें एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा हमारे पास में काम नहीं किया। जेई में चाहे कोई स्टेट एग्जाम हो, सब में ये चीज जो है वो काम करती है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने एक्सट्रीम ऑप्शन के फंडे से इन दो क्वेश्चन को कर लिया। फिर यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो एक्सट्रीम का फंडे से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, बहुत बड़ा है, 0 एलिमिनेट हो जाएगा, बहुत छोटा है। मतलब सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को आप काटो, बाकी ए और सी में से आप जो है तुक्का लगाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास में क्या है, ए और सी में से तुक्का लगेगा। तो जहां जहां आपका इस तरीके से वैल्यूज दिया हुआ है, आप एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा लगा सकते हो, वहां पर आप जो है लगा लिया करो, ठीक है। ओके, फिर इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे -9 के पावर में और एक ऑप्शन दिखेगा -10 के पावर में। तो ये जो -10 वाला है इसको आप काट दो, ठीक है। जो चीज आपको ज्यादा दिखती है, क्योंकि देखो जो टीचर होता है ना, जो क्वेश्चन बनाता है, वो आपको करेक्ट ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। तो टीचर अगर आपको करेक्ट ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, टीचर आपको 3 -9 के पावर में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, तो समझ लो कि शायद जो आंसर है वो भी -9 वाला ही होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका जो नंबर है वो है 5, 2, 1.1 and 1। तो 1.1 and 1 ये दोनों आसपास है ना, 1.1, 1.0 दोनों आसपास है, तो थोड़ा सा चांसेस बनता है इन दोनों में से आंसर होने का। बट इसको तो हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके क्योंकि -10 है, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, सी को प्रेफर करेंगे। तो यहां पर हम क्या मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, हम यहां पर सी मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। हमारा मोस्ट प्रेफर्ड आंसर जो है वो सी होगा, क्योंकि 1.11 थोड़ा सा मिलता जुलता दिख रहा है। तो जो भी मिलते जुलते ऑप्शंस हो ना, आप उसको प्रेफर किया करो। जैसे -9 पावर में मिलता जुलता था उसको हमने प्रेफर किया, 1 मिलता जुलता है तो हमने उसको यहां पर जो है प्रेफर किया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, दोबारा से बता रहा हूं, एक नॉर्मल केस तब होता है जब 4 ऑप्शन होते हैं, चारों पॉजिटिव में होते हैं, राइट। अब सोचो 2 ऑप्शन नेगेटिव में आ गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चांसेस क्या है कि हमारा नेगेटिव आंसर प्रेफर्ड है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि नेगेटिव लाने की जरूरत ही क्या पड़ी, ठीक है। सोचो अगर किसी टीचर को ऑप्शन बनाना होता तो वो 4 पॉजिटिव आंसर ही बनाता है ना। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होता है, आप भी अगर कभी क्वेश्चन बनाओगे तो आप 4 पॉजिटिव ऑप्शन बना दोगे। आपके दिमाग में चुल क्यों आई कि आपने नेगेटिव ऑप्शन बनाया? तो कहीं ना कहीं वो चुल शायद इस वजह से आई होगी कि शायद आंसर ही नेगेटिव होगा, तो आपने सोचा चलो 2 आंसर नेगेटिव बना दे, 2 पॉजिटिव बना देते हैं, एक ये पॉसिबिलिटी है। तो उस लॉजिक से अगर हमारे 2 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है, आपको अगर तुक्का लगाना है तो आप नेगेटिव वाले में से तुक्का लगाओगे, ठीक है। कभी मान लो आपके पास में 3 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 3 बार नेगेटिव दिया है, तो 3 बार नेगेटिव देने का मतलब है आंसर नेगेटिव में होने के चांसेस ज्यादा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि 3 बार नेगेटिव दिया है ना, तो थोड़ा सा हाई चांसेस है कि नेगेटिव वाला करेक्ट आंसर होगा। पॉजिटिव को एलिमिनेट करके नेगेटिव वाले में से तुक्का लगाया करो। और अगर मान लो 3 बार पॉजिटिव है और 1 ही बार नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव में तुक्का लगाओगे। तो अगर 4 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है तो भी
पॉजिटिव को आप प्रेफर करोगे तुक्का लगाने में? अगर दो पॉजिटिव दो नेगेटिव है, बराबर है, तो आप नेगेटिव को प्रेफर करोगे तुक्का लगाने में। क्यों? क्योंकि आपको यह समझना जरूरी है कि नेगेटिव ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। शायद नेगेटिव वाला आंसर हो सकता है, तभी उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तीन पॉजिटिव है तो हम फिर पॉजिटिव वाले मार्क करेंगे, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव वाला ज्यादा भारी होता है, भारी मतलब हावी होता है नेगेटिव पे। ठीक है, तीन ऑप्शन पॉजिटिव मतलब उसके होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना, और तीन ऑप्शन नेगेटिव मतलब बहुत हाई चांसेस है कि अब नेगेटिव वाला ही आंसर होगा, पॉजिटिव वाले को एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये एलिमिनेशन की कुछ साइकोलॉजीज है, मैंने आपको काफी पहले बता रखी है। उसी के बेसिस पर अगर आप यहां पर देखोगे तो दो ऑप्शन आपको नेगेटिव में दे रहा है, तो आप दो नेगेटिव वाले में से प्रेफर करो, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई नेगेटिव ऑप्शन आया ही क्यों, इसीलिए आया ना कि शायद नेगेटिव हमारे पास में करेक्ट आंसर हो सकता है। तो आप यहां पर बी और डी में से जो है तुक्का लगा दोगे क्वेश्चन नंबर वन में, ठीक है ना। अब मैं आपको इसे करेक्ट आंसर्स बता देता हूं कि भैया क्या इसके हमारे पास में करेक्ट आंसर्स है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर्स है हमारे पास में वो है फर्स्ट का डी, सेकेंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी, फिफ्थ का सी। ये हमारे पास में करेक्ट आंसर है, डी सी ए सी सी, डी सी ए, डी सी ए सी सी, ये हमारे पास में करेक्ट आंसर है, डी सी ए, डी सी ए सी एंड सी। ठीक है, तो वेरी क्लियरली आप देख सकते हो यहां पर जो हमारा एलिमिनेशन का टेक्निक्स है वो सारे काम किए हैं। पांचों क्वेश्चन में जो हमने एलिमिनेट किया वो एकदम परफेक्ट एलिमिनेट हुआ है, और डेफिनेट सी बात है इन पांच में से सारे बच्चों का दो या फिर तीन तो मिनिमम सही हो ही गया होगा। ठीक है, अगर दो भी आपका सही होता है तो भी आपको दो के मिलेंगे आठ नंबर और तीन गलत के जाएंगे माइनस थ्री, तो प्लस फाइव आपका आया। अगर आपके तीन सही होते हैं तो आपको मिलेंगे तीन के बारह नंबर, और बाकी दो गलत होने के जाएंगे माइनस टू, तो आपको दस नंबर मिलते हैं। तो अगर आप तीन सही करते हो तो आपने दस नंबर उठा लिया पॉजिटिव, और अगर आपने दो सही किया तो आपने पांच नंबर उठा लिया पॉजिटिव। अगर बुरे से बुरे किस्मत में आपने पांच में से एक भी सही कर लिया तो आपको जीरो नंबर मिले। कैसे? क्योंकि एक सही होगा तो चार नंबर मिलेंगे, और बाकी चार गलत होगा तो माइनस फोर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो में जब आपका पांच में से सिर्फ एक सही होता है तो आपको जीरो मिलता है, अदरवाइज उससे ऊपर दो सही, तीन सही, चार सही, सब में आपको पॉजिटिव स्कोर ही आता है। तो इस तरीके से आपको रिस्क मैनेजमेंट देखते हुए आपको जो है तुक्का लगाना है। ये नहीं कि जय माता दी लेट्स रॉक, बी कर दिया, डी कर दिया, ए कर दिया, ऐसे नहीं, आपको सोच समझ के तुक्का लगाना है, प्रोबेबिलिटी को बीट करते हुए तुक्का लगाना है। ठीक है, और ये जो रिस्क मैनेजमेंट और सारी चीजें लेटेस्ट पेपर के अंदर में आप लोग पूरे पूरे पेपर में, यहां तो चार पांच क्वेश्चन है, पूरे पूरे फुल पेपर में आप लोग कोर्स के अंदर में देख सकते हो। कोर्स के अंदर में लेटेस्ट जो 2021 का पेपर है उसके अंदर में पूरे पूरे पेपर में चीज करके दिखाया गया, ऑन स्पॉट ट्रिक्स लगा के दिखाया गया। यहाँ पर तो पहले से क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए होते हैं, बट कोर्स में वो क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपकी आंखों के सामने पहली बार मैं भी देख रहा होता हूँ, और उस टाइम पे किस तरीके से अप्रोच करना है, क्या करना है, आपको एग्जाम में वो वाली फील आपको कोर्स के अंदर में आती है। प्लस बहुत सारे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है कोर्स के अंदर में, आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो कोर्स के लिंक को, पेमेंट पेज आपको दिख जाएगा, वहाँ पर डिटेल्स लिखी रहेंगी। पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो, कुछ आवर्स में आपको जो है मेल आ जाएगा, कुछ आवर्स में आपको वीडियोज़ भी जो है वो डिजिटली सेंड कर दी जाएंगी। सारे प्रोसेसेस एंड सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जाएगी, तो आप लोग जरूर से उसको भी चेकआउट कर लेना। इसके बाद में हम लोग जो अपना करेंगे मैथ्स का एपिसोड, मैथ्स में मैं आपको दो एपिसोड दूंगा जिसमें मैं आपके सामने छह छह एपिसोड, छह छह क्वेश्चन दोनों एपिसोड में लेने वाला हूं। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चिटकट्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।